प्रदेश में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और हमीरपुर शहर के लोगों को आग सेकने और दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाली बालन का खरीद कर लेने का कहीं कोई इंतजाम नहीं है। हमीरपुर मुख्यालय में डीएफओ दफ्तर में सरकारी सेल डिपो बालन का था, लेकिन अब वे भी बंद हो चुका है, जिसके चलते लोगों को बालन की सुविधा से महरूम होना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग की माने तो वन निगम के बीओडी में नुकसान में चल रहे डिपो को बंद करने के फैसले के चलते हमीरपुर सहित कई अन्य डिपो को बंद किया गया है, और अगर लोगों की ओर से पर्याप्त लकड़ी उठाने की डिमांड होती है तो इसे खोलने के बारे में उच्च अधिकारियों से बात की जा सकती है। जिला हमीरपुर के डीएफओ दफ्तर की बगल में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा बालन बेचने के लिए सेल डिपो खोला गया था, लेकिन वन निगम के द्वारा साल 2015-16 में सालाना 3 लाख से कम आय वाले डिपो को बंद करने के निर्णय के चलते करीब 3 साल पहले इसको बंद कर दिया गया। हमीरपुर शहर और आसपास के इलाकों के लोग इस डिपो से बालन खरीद के सुविधा का फायदा लेते थे, लेकिन अब इसके बंद हो जाने से आम जनता को बालन खरीदने में परेशानी हो रही है। हालांकि प्राइवेट स्तर पर भी शहर और आसपास के इलाके में बालन खरीदने का कोई ज्यादा इंतजाम नहीं है, और जहां पर बाघ जलाने वाली लकड़ी बेची जाती है वहां पर भी मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में जंगलों की भी कमी नहीं है और सालाना वनों से काफी संख्या में लकड़ी उपलब्ध होती है। बावजूद इसके डिपो न होने के कारण लोगों के लिए इसे खरीद पाना मुश्किल हो गया है। शहरवासियों राजीव सुरेंद्र ने कहा कि पहले सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए उपलब्ध होने वाली बालन की लकड़ी सरकारी द्वारा निर्धारित रेट पर उपलब्ध होती थी, मगर कुछ सालों से सरकार ने डिपो बंद कर दिया है, जिस कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने वन निगम प्रदेश सरकार से मांग की है कि बंद डिपो को दोबारा से शहर में खोला जाए। और जैसे ठंड का मौसम शुरू हुआ है तो हमारे पास घर में लकड़ियां है नहीं, पहले माड़ी मोटी लकड़ियां होती थी, तब जैसे ही पहले डिपो में जाते थे तो डिपो खुला तो डिपो से लकड़ी मिल जाती थी। अब सरकार ने डिपो बंद कर दिए हैं तो हम चाहते हैं जो डिपो बंद किया उसको दोबारा खोला जाए और हमारे लकड़ियों का समाधान किया जाए। हम गांव से आते हैं और आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, लकड़ी जलाने को नहीं मिल रही है। पहले लकड़ी के डिपो खुले थे तो लकड़ी मिल जाती थी, अब सरकार ने लकड़ी के डिपो बंद कर दिए हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है और लकड़ी भी नहीं मिल पा रही है, परेशानी लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि लकड़ी के डिपो पुनः खोले जाएं ताकि लोगों को लकड़ी की दिक्कत ना हो। वन निगम हमीरपुर मंडल के मंडल प्रबंधक अमित शर्मा ने बताया कि साल 2015-16 में वन निगम के बीओडी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नुकसान में चल रहे डिपो को बंद किया जाएगा। उसके तहत हमीरपुर मंडल के 6 डिपो को बंद किया गया था, जहां से बालन लोगों को मुहैया करवाया जाता था। उन्होंने बताया कि हमीरपुर डिपो से साल 2011 के बाद से बालन की डिमांड बहुत कम आ रही थी, जिसको देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हमीरपुर मंडल के तहत केवल बिलासपुर में ही डिपो कार्य कर रहा है, बाकी 6 को बंद कर दिया गया है। जो हमीरपुर वन निगम है इसमें हमारे पास कभी 7 रिटेल सेल डिपो हुआ करते थे जो फ्यूल बोर्ड प्रोवाइड करते थे। चूंकि वन निगम एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो निर्णय लिया गया था कि 2014-15 में एक निर्णय लिया गया कि जो घाटे के डिपो हैं जिनमें लकड़ी 500 क्विंटल के करीब नहीं बिकती है मंथली या एनुअली नहीं बिकती है, यानी कि एनुअल सेल लगभग 3 लाख की सेल होगी तभी वो डिपो सस्टेन करते हैं, जिसमें से कर्मचारियों की सैलरी निकालनी होती है, वहाँ का रख रखाव है। तो यदि वो लगभग 3 से 4 लाख के बीच सेल नहीं करते हैं तो वो सारे डिपो बंद करने का निर्णय लिया गया। तो इस चरण में हमारे हमीरपुर वन निगम में लगभग 6 डिपो बंद किए गए और एक ही डिपो रखा गया। हमारे पास बिलासपुर जिला भी है तो बिलासपुर में ही एक रिटेल का डिपो है। तो एज सच हमीरपुर जो क्षेत्र है यहाँ से ज़्यादा डिमांड फ्यूल बोर्ड की नहीं है। 2011-12 में यहाँ कुल 340 क्विंटल लकड़ी बिकी थी और लगभग 1 लाख की लकड़ी बिकी थी। 2012 में ये और कम होगी और 68,000 की लकड़ी बिकी और 13-14 में ये 49-50,000 के करीब एक साल में ये लकड़ी बिकती रही। तो जिस करके बीओडी में ये डिसीज़न लिया गया कि जो घाटे के डिपो हैं उनको सबको बंद किया जाए और इसमें हमीरपुर, घुमारवी, देरा, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और ऊना के डिपो बंद कर दिए गए और एट प्रेजेंट हमारे पास एक ही डिपो बिलासपुर में कार्य कर रहा है।
मंडल प्रबंधक अमित शर्मा ने कहा कि अगर जिला प्रशासन और आम जनता की डिमांड बालन के लिए आती है तो इस मुद्दे को बीओडी में उठाकर हमीरपुर में बालन का डिपो खोला जा सकता है, ताकि लोगों को बालन की सुविधा घर द्वार पर सरकार द्वारा निर्धारित रेटों पर उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, यदि ऐसा कुछ, यदि हमें एमसी की तरफ से कोई डिमांड आए कि हम मंथली इतनी आपकी परचेज करेंगे, या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा निर्णय करती है कि हमें फ्यूल बोर्ड डिपो चाहिए चाहिए यहाँ पे, तो हम ये इशू अपने हेड ऑफिस लेवल तक उठा सकते हैं और यहाँ एक साइंटिफिक बेसिस पे, एक टेक्निकल बेसिस पे एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं कि इतनी डिमांड है और ये डिपो यहाँ पे खोला जाए।